तो हेलो गाइस, आज मेरी बनी की प्रेगनेंसी की लास्ट डे है। तो आज 31 डेज मेरी बनी की कंप्लीट हो जाएंगे। पिछले मंथ अक्टूबर की 6 को वो प्रेग्नेंट हुए थे, तो आज जो है 6 नवंबर हो गई है, तो 31 डेज आज हो जाएंगे कंप्लीट। तो अभी तो फिलहाल शाम हो गई है, तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलूंगी एंड दिखाऊंगी नेस्टिंग वगैरह कितना क्या करी है या फिर बच्चे दे दिए हैं। तो मैं लास्ट जब दोपहर के टाइम पे गई थी तो तब तक तो वो फर वगैरह भी नहीं उतारे थे। मेरी बनी क्या करती है, इंस्टेंट नेस्टिंग करती है। पिछली बार भी मैंने देखी थी, तो बच्चे देने से आधा एक घंटा पहले वो नेस्टिंग करते हैं अपने फर से। तो दो दिन पहले तो मैंने मटेरियल्स वगैरह सब कुछ दे दिए थे, उससे तो वो नेस्टिंग करके रखी है, लेकिन अपने फर उतार के जो नेस्टिंग होती है अभी तक नहीं किया है। तो वही मुझे देखने के लिए जाना है। एंड गाइज, आप लोग भी जरूर से जरूर प्रे कीजिए जल्द से जल्द बेबी बनीज हेल्दी निकल जाए एंड मेरी बनी भी हेल्दी रहे। तो अगर इसका अपडेट और भी आगे तक आप लोगों को देखना है, शेयर किस तरीके से करना चाहिए सब। तो हाँ गाइज, अगर इन फ्यूचर अपनी बनी से रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को अपडेट्स चाहिए, केयर किस तरीके से करना चाहिए, मैं किस तरीके से कर रही हूँ, तो जरूर से जरूर मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर में कुछ वीडियोस लाओ आप लोगों के फोन पे नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को जरूर से जरूर शेयर करना अगर मेरी वीडियोज पसंद आती है। तो चलिए मैं लेके चल, मैं अपने हाथों को थोड़ी सी पानी से गीला करके उसके कान के ऊपर ऐसे टच कर रही हूँ, पूरे बॉडी में हाथ देके थोड़ी सी उसको रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी नेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है एंड बहुत ज़्यादा वो तेज़ सांस ले रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे नेस्टिंग करते करते। तो मैं उसको रिलैक्स कर रही हूँ और वो कितना अच्छे से आराम से वो लेटे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, उसको भी रिलैक्स फील हो रही है। अगर आप लोगों के रैबिट एग्रेसिव है, आपको काट रहे हैं, देन ये सब मत करने जाइएगा, नहीं तो काट लेंगे, उसको भी परेशानी होंगी। लेकिन मेरी बनी मुझसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, तो इसलिए मैं उसके साथ रहती हूँ, तो उसको कोई भी इश्यूज़ नहीं होती है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, वो ऑलरेडी अपने नेस्टिंग के लिए सारे मटेरियल्स मुंह में लेके एक साथ वो एक कोने में जमा कर रही है, इकट्ठा कर रही है। और मेरी बनी जब भी नेस्टिंग करती है उसके एक घंटा डेढ़ घंटे के अंदर वो बेबी बनीज डिलीवर कर देते हैं। तो ये मेरी एक्सपीरियंस हो गई है, क्योंकि इससे पहले जब मेरी चेरी हुए थे तो मैंने देखी थी ये चीज़। तो आप लोगों के पास भी अगर रैबिट्स होंगे तो वो अगर प्रेग्नेंट है, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता होंगे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ ज़रूर से ज़रूर देख के रखिए, ताकि आप लोगों की रैबिट्स हेल्दी रहे और कुछ भी हेल्थ इश्यूज ना हो या फिर कुछ भी दिक्कतें ना आए। और भी आगे चल के सारे कुछ वीडियो में शेयर करूँगी किस तरीके से केयर करना चाहिए बेबी बनी, उसको विंटर आ रही है, किस तरीके से फीडिंग देना चाहिए, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आई होप और कुछ ही घंटों के अंदर बेबी बनीज हम लोगों को दिखने को मिल जाएंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, कितने टाइम लगेंगे मुझे नहीं पता है। आई होप कि एक घंटे डेढ़ घंटे के अंदर वो बेबी बनीज डिलीवर कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी नेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है अपने फर से। तो फर से जब नेस्टिंग करती है मतलब वो बहुत जल्द बेबी बनीज देने वाली है। तो ये सारे चीज़ें सिम्टम्स होती है, और भी बहुत सारे इजी सिम्टम्स होती है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगी। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स भी रिसीव हो रहे थे कि मेरी बनी जो है, मेरी रैबिट न्यू आई है हमारे घर पे, तो इस तरीके से वो अपने फर को निकाल रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों को नहीं पता होंगे, आप लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर इस तरीके से कर रही है मेरी बनी की तरह, तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो सकता है, नहीं 100% वो प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर फॉल्स प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो आगे चल के मैं सब कुछ डिटेल्स में शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।